दामोदर अष्टकम में सबसे पहले सत्वृत मुनि ने प्रार्थना से शुरू किया था, नमामि ईश्वरम, है ना। फिर धीरे धीरे वो आगे उन्होंने बोला कि प्रार्थना, फिर कल हमने देखा कि वो भगवान के गोपाल रूप का हृदय में दर्शन चाह रहे हैं। तो वो इस तरीके से प्रार्थना करते करते उनकी धीरे धीरे जो भावना है, जो भाव है, वो और बढ़ रहा है। तो कल तो वो बोल रहे थे मनस्या विरासतम आलम लक्ष्य लाभे, अगर मन में मेरे आपका ये गोपाल स्वरूप का दर्शन हो जाए, है ना, तो इसके अलावा मुझे और किस चीज़ की जरूरत है। मनस्या विरासतम किम अन्य, और क्या चाहिए ना मन में मेरे अंतर मेरे चित्त में आपके गोपाल स्वरूप का दर्शन हो जाए, इसके अलावा मुझे और किम अन्य, और क्या चाहिए। और अगले श्लोक बोले थे मनस्या विरासतम आलम लक्ष्य लाभ, अगर इसके बदले में लाखों और वरदान मिले तो मेरा उनसे क्या मतलब है। कोई मतलब, वो ये नहीं कह रहे कि नहीं चाहिए, वो कह रहे मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता मेरा उससे, उसकी तरफ देखना ही नहीं, है ना। एक चीज़ जिससे कुछ मतलब है तो आदमी सोचता है लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन वो कह रहे मेरा कोई मतलब ही नहीं है, कुछ पॉइंट ही नहीं बनता उस बारे में चर्चा करने से। तो ऐसे जब उनका भाव बन रहा था तो धीरे धीरे उनका और आगे उनका भाव और नेक्स्ट स्टेज में गया। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु ग्रहणेश माम अज्ञम अधि अच्छी दृश्य। तो वैसे भी जनरली ऐसे होता है कि अब जब कुछ नहीं है तो रोटी मिल जाए, रोटी मिल रहा है तो पराठा मिल जाए, पराठा मिल रहा है तो समोसा मिल जाए। अब जो समोसा तक मिल सकता है तो फिर गुलाब जामुन भी मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। तो सत्वृत मुनि सोच रहे हैं जब इतना हो सकता है तो फिर अधि अच्छी दृश्य क्यों नहीं हो सकता, यानी साक्षात दर्शन क्यों नहीं हो सकते, अब वही चाहिए। ये श्लोक में क्या मांग रहे हैं, साक्षात दर्शन। ग्रहणेश माम आज्ञम अधि अच्छी दृश्य, अधि अच्छी दृश्य। अभी क्या था, मनस्या विरासतम, मन में, अब है अच्छी दृश्य, आँखों के सामने फेस टू फेस, है ना। अभी नो मोर 3G 4G, फेस टू फेस बातचीत, है ना। तो प्रेम इतना आगे जा रहा है भक्त का कि अब वो मन में चिंतन करने से भी संतुष्ट नहीं है, अब उसको साक्षात दर्शन चाहिए। ये इस श्लोक का थीम है। हे देव, नमो देव दामोदर, हे देव। देव का क्या मतलब हुआ कि वो कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आप समस्त देवों के भी देव हैं, सबसे सभी के कंट्रोलर हैं आप, है ना। हे देव, नमो देव, नमो देव दामोदर। अब पहला, चूंकि आप सभी के कंट्रोलर हैं, है ना, तो मतलब भगवान ही कह सकते हैं ना कि क्यों आऊं मैं आपके सामने फेस टू फेस, है ना। तो ये बोलने से पहले कि आप सामने आ जाइए, दर्शन दे दीजिए फेस टू फेस, ये बोलने से पहले वो सारी कंडीशन फेल कर देंगे। भगवान के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं, आप क्या हो, नमो देव, आप तो देव हो, आप हो सुप्रीम कंट्रोलर, आप सबसे ऊपर हो, तो आपको कौन रोक सकता है, आ जाओ, किस बात का डर है, ठीक है। नमो देव, फिर दामोदर, और फिर आप तो भक्तों पर कृपा करने वाले हो। जब आप भक्तों, दामोदर माने आप बंद गए भक्त वत्सता, तो आप आ सकते हो क्योंकि आप तो भक्तों पर कृपा करने वाले हो। तो दामोदर
और अनंत, और आप अनलिमिटेड हो, है ना। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, अनंत हो, है ना। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, आप सर्वव्यापी हो, है ना। तो आपको ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि आप तो सब जगह कहीं से भी प्रकट हो सकते हो, है ना। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालाप। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे वो कह रहे हैं अपनी स्तुति में, पहले तो उनका भाव ऐसा हो गया प्रेम की साक्षात दर्शन चाहिए, है ना। तो साक्षात दर्शन चाहिए तो साक्षात दर्शन ऐसे तो मिलेगा नहीं। इसलिए साक्षात दर्शन के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है, नाम संकीर्तन। इसलिए नाम संकीर्तन कर रहे हैं इस श्लोक में, क्या कर रहे हैं, नाम संकीर्तन, बार बार नाम, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु ग्रहणेश ईश, कितने नाम आए, देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु ईश, है ना। एक श्लोक में 6 बार तो नाम बोल दिया भगवान का। तो नाम संकीर्तन ही एकमात्र भगवान को प्राप्त करने का साधन है। सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि नाम संकीर्तन ही भगवान के साक्षात दर्शन करा सकता है, है ना। जैसे कोई आके बोल देगा, अरे क्या ही माला पकड़ के बैठे हो, आओ हम तुम्हें फेस टू फेस दिखाते हैं, है ना। साक्षात दर्शन कराए, कहाँ से कराएगा, विधि तो नाम संकीर्तन है, और वो मैं कर रहा हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कैसे कराएगा। तो जी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नाम संकीर्तन, है ना। तो नाम संकीर्तन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हे ईश्वर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध माने कृपया आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, हे देव हे दामोदर हे अनंत हे विष्णु प्रसिद्ध कृपया आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। प्रसिद्ध प्रभु, हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपया करके प्रसन्न हो। कृपया करके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। प्रसीद प्रभो दुख जालाप्ति मग्न, यहाँ पे अपना दर्द भी बता रहे हैं, कष्ट क्या, दुख जालाप्ति मग्नम। दुख माने दुख, जाल माने दुखों का जाल, मग्नम इस जाल में मैं पूरी तरीके से, दुखों के जाल में मैं पूरी तरीके से फंसा हूँ, बहुत सारे दुख हैं, है ना। दुखों के हे भगवान, अब भाव तो आ रहा है कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन करूं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बहुत पहुंचा हुआ भक्त हूँ, कह रहे मैं कष्टों में फंसा हुआ हूँ, दुखों में फंसा हूँ। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सत्रशम विचिंतया। आई नंद तनुज किंकरम, ये किसने, ये श्लोक कहाँ से आया, किसी को बताया। आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मे भवान् बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतया। शिक्षाष्टकम है ना, अगर आपको हरिनाम में
अगर आपको हरि नाम में उनको देख के ना मुझे मेरा भूतकाल याद आ रहा है ना, तो अगर आपको हरि नाम में जल्दी टेस्ट चाहिए तो हरि नाम का माला जो हम करते हैं रोज, उसको करने से पहले शिक्षा स्कम बोले। शिक्षा स्कम बोलने से ना रोज सिर्फ बोलना नहीं, उसके मीनिंग को समझना, उसके भाव को समझना। कभी हम उस पर भी करेंगे 8 दिन, है ना। तो शिक्षाष्टकम को बोलने से पहले जो हरिनाम का जो रिजल्ट है फास्ट होते हैं, मतलब आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। उस शिक्षाष्टकम में एक श्लोक है ये, अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद के पुत्र नंद तनुज, मैं क्या हूँ? किंकर, दास से भी नीचे की स्थिति किंकर। अयि नंद तनुज किंकरम, आगे तनुज किंकर ये याद हो जाना चाहिए। सब लोग बोलिए, शिक्षा स्कम तो याद होना ही चाहिए जो लोग चेतन महाप्रभु के लाइन में हैं। चेतो दर्पण मार्जनम से लेके लास्ट तक मदर जी पढ़ेंगे, एक यही वाला श्लोक पढ़िए, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ। सिमिलर लाइन आ रहा है, दुख जालाब्धि मग्नम, और वहाँ भी वो वही बोल रहे हैं, पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ। मैं किंकर हूँ, मैं गया गुजरा हूँ, और कैसे भी करके पतित हूँ, कैसे भी करके गिरा हूँ। पतितम माम, मैं पतित हो गया हूँ, गिर गया हूँ, कैसे भी करके गिर गया हूँ। कहाँ? पतितम माम विष में भवाम्बुध, ये भव अम्बुध, ये भव सागर में मैं गिर गया हूँ, ये दुखों के सागर में गिर गया हूँ। कैसे गिरा इस, ये पॉइंट नहीं है यहाँ, है ना, गिर गया है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं कुएं में गिर गया या किसी जाल एक गड्ढे में फंसा हुआ है, अब आप उससे पूछ रहे हो कैसे गिरा, अरे ये सब बाद की बात है यार, पहले निकालो ये तो कहोगे, है ना। या फिर जो गिरा हुआ है वो ये सोचे मैं कैसे गिरा, पहले मैं ये पता करूँगा मैं गिरा कैसे, तब किसी से बुलाऊँगा हेल्प के लिए, क्यों गिरा, कैसे गिरा। पहले निकलो, पहले निकलो, आधी बात वैसे ही समझ में आ जाएगी क्यों गिरा था, कैसे गिरा था, है ना। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, पहले तो भाव रख रहे हैं कि मुझे आपके साक्षात दर्शन करना है, लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्रसीद प्रभु दुख जाला, आप मेरे को प्रसन्न हो, मैं दुखों के जालों में फंसा हुआ हूँ, पतितम माम विस्मे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तया, कृपया करके आप मुझे अपने, ये कोई अधिकार नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं पतित हूँ, दुखों के सागर में पड़ा हुआ हूँ, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार में क्या हो रहा है ना। उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, बड़ा विचित्र संसार है ना। सुबह की क्लास में चर्चा हुआ, इधर नहीं हुआ ना, सर्दी गर्मी वाला। अभी क्या दिसंबर आएगा, नवंबर आएगा, तो लोग कहेंगे कितनी ठंड है ना। तो कोई कहेगा अरे 10-15 दिन और हैं, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर आराम से आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। तो गर्मी आ जाएगी, फिर वो कहेगा अरे इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, है? तो कहेंगे अरे रुक जाओ थोड़ी देर, सर्दी आ जाएगी, तो आप सूख जाओगे। ऐसे करके करते मान लो 25 साल उम्र है मेरी, है ना, सत्य नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। मान लो 25 साल उम्र है, तो 25 साल से ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं, सर्दी आती है तो कहते गर्मी में खुश हो गए, गर्मी आती है तो कहते सर्दी में खुश हो गए, यही चल रहा है। और मैं बेवकूफ इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये ऐसे ये प्रकृति का नियम है, और मैं इससे ही आशा लगा के बैठा हुआ हूँ कि जब सर्दी आएगी तो सुख हो जाएगा, गर्मी में सर्दी, सर्दी में बस सुखी नहीं हो पा रहा हूँ, दुखों के जालों में पूरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। ये छोटा सा उदाहरण है सर्दी गर्मी का, लेकिन चल वही रहा है,
जब चीटी था तब सोचा कि कुछ बड़ा जानवर बन जाऊंगा, है ना। आपने वो पुनः मूसक भवा वाला कथा तो सुना होगा ना, एक चूहा आया ऋषि के पास, बोलो बिल्ली मेरे को खा रही है, तुमने कहा क्या चाहिए, बोलो बिल्ली बना दो, बिल्ली बन गया। नहीं सुना? सुना है ना। बिल्ली कुत्ता बन गया, फिर वो बाद में ऐसे करते करते बाद में क्या बना? चूहा। तो जो हम हैं, हमारी आशा ही इतनी है ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो दुख खत्म हो जाएंगे। दुख खत्म नहीं होने वाले। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जो इन चार चीज़ों को दुख समझता है। हमें अरे ले दुख क्या है, ऑफिस में ट्रैफिक बहुत है, ऑफिस जाते समय ये हमारा दुख है ना। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता ये हमारा दुख है ना। मैं जो खाता हूँ मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता ये मेरा दुख है ना। यही दुख है। पर असली दुख क्या है? लोगों को दुनिया भर के टेंशन में आदमी परेशान हो रहा है, ये है वो है, ये हो गया वो हो गया, है ना, मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, मेरे को वो मेरा को ये बोल दिया वो कह दिया, इसी दुखों में परेशान है। और भगवत क्या कह रही है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो असली बुद्धिमान है वो इन चार चीज़ों को असली दुख समझता है। चार दुख इनको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। जिस जब भी हमारा बर्थडे आए तब तो बिल्कुल याद कर लेना चाहिए कि ये खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। गीता में बता रहे हैं कि जन्म क्या है? दुख है। और एक ये ऐसा मतलब अजीब ही भगवान ने एक संसार बनाया है ना। पहले एक लोग कहते हैं क्यों बनाया संसार, दुनिया बनाने वाले काहे दुनिया बनाई, तो थर्ड कैंटो में आंसर सारे मिलेंगे आपको, क्यों दुनिया बनाई, क्यों सब किया भगवान ने, है ना। तो ऐसा संसार है कि आदमी समझ नहीं पा रहा है, इसको फंसा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि कहाँ फंसा हुआ है, समझ नहीं रहा है कि वो कहाँ फंसा है। उसको लगता है कि हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, जन्म है, बर्थडे है ना। लेकिन गीता भगवान कह रहे हैं कि जन्म भी एक दुख है ना। अरे क्यों दुख है आपको पता होगा, जिसे नहीं पता क्लास के बाद मेरे से कांटेक्ट करें, है ना। तो चार दुख, तीन तरह के क्लेश, अधिदैविक, अधिभौतिक, अध्यात्म। बार बार इनको हमें याद करना चाहिए कि ये तीन तरह के क्लेश और चार तरह के दुख हमें हमेशा हैं और मैं इनमें फंसा हुआ हूँ। तो कई बार हम इन दुखों मेन जो कॉज है, मतलब मेन जो दुख हैं, उनसे तो हम बहुत दूर दूर तक उस रूट कॉज में तो हम जा ही नहीं रहे, उनको सॉल्व करने की सब कोशिश कर रहे हैं। माने कोई बीमारी है, रूट कॉज में ना जाके आप उसको बस कुछ ऊपर ऊपर से ही वो कर रहे हो तो वो तो ठीक होने वाली नहीं है ना। हमें लगता है कि हम जो जॉब लग जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये दुनिया भर की आशाएं हैं। इस संसार में सबसे बड़ा हमारे, मैंने एक दिन हमारे ग्रुप में ही भेजा था, है ना, तो शास्त्र भी कहता है और बहुत ही जगत के बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर सक्सेसफुल लोग वो भी यही कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा हमारे दुखों का कारण है हमारी आशा। आशा ही परम दुखम। हमने जो आशा लगा रखी है किसी से, वो आशा ही हमारे दुखों का कारण है। आशा जैसे कोई आप इधर आए हैं, आपने एक आपकी एक एक्सपेक्टेशन है ना कि मैं वहाँ जाऊँगा और ऐसे ऐसे प्रभु जी मुझे वहाँ मिलेंगे और मेरे को इस तरह से वो बात करेंगे, सम्मान करेंगे या जो भी है, है ना। और आप आए और प्रभु जी ने, आप बहुत दिनों बाद आए, प्रभु जी ने आपसे पूछा ही नहीं आप कैसे हैं। अरे यार इतने दिन बाद गया था, उन्होंने अगली इतना तो बोलना था ना, हरे कृष्णा प्रभु आप कैसे हो, पूछा नहीं यार, अब नहीं जा रहा मैं, अब नहीं जाऊंगा उनके यहाँ। अरे पूछना चाहिए ना, मेरे घर में इतनी इतनी समस्या हो गई, एक फ़ोन नहीं किया, है ना, बड़ा मेरा मित्र बन गया। आशा। और भाई दुनिया में कितने लोग हैं, सबने किया क्या फ़ोन? नहीं। पर आपने जिससे आशा रखी थी उसने नहीं किया, आपको बड़ा दुख हुआ। आशा वहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। आशा रखते हैं जब हमें लगता है कि हम कुछ महत्व रखते हैं।
इसलिए आई नंद तनुज किंकरम, है ना, जब दीक्षा होती है तो नाम क्या मिलता है, सच 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 दास। अरे आप दास हो भाई, किससे क्या आशा रख रहे हो, सर्वेंट किंकर, किंकर को किससे आशा है, जो मिल गया उसमें खुश रहो, किसी से आशा मत रखो। और वही कुछ लोगों ने उसको इतना स्ट्रांगली पकड़ रखा है कि वो भगवान से भी दूर चले जाते हैं। इतनी माला करी, भगवान ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, जा रहा था मेरा मर्सिडीज ठुक गया सारा आगे का हेडलाइट वेडलाइट सब टूट गया। इतना बचाना चाहिए ना भगवान को, प्रहलाद को बचाया, मेरा मर्सिडीज को नहीं बचाया है? तो जब भी हम आशा करेंगे संसार में, है ना, ये नियम है। क्यों भाई, ये संसार बनाए ही नहीं ना, उसलिए आपने लाया है वॉशिंग मशीन और आशा रखते हो कि वो मेरे को ठंडा पानी देगी, तो ये तो गलत है ना। इसकी इसमें आप कंपनी को लेटर लिखो कि भाई आपकी वॉशिंग मशीन ना ठंडा पानी नहीं देती है? आदमी भगवान से कहते, भगवान क्यों इतने दुख दे रहे हैं, क्यों इतना कष्ट है दुनिया में। कई लोग आते, अभी भगवान इतना कष्ट क्यों दिया दुनिया में, सभी दुखी हैं। अरे बाबा, भगवान तो खुद यही कह रहे हैं, भगवान भी यही कह रहे हैं, दुखालय में शाश्वतम, बनाया ही दुख देने के लिए है ना। वॉशिंग मशीन लाए, उस पर लिखा है, उस पर कहीं लिखा है कि ये तुम्हें ठंडा पानी देगी, नहीं लिखा। वहाँ भगवान कह रहे हैं, संसार मैंने बनाया, मैं संसार का सृष्टा हूँ, मैंने बनाई है दुनिया। और क्यों बनाई है, दुखालय, दुख देने के लिए। आपको क्या मिल रहा है, दुख, कहाँ प्रॉब्लम क्या है फिर, मुझे तो सुख चाहिए। अच्छा, सुख चाहिए तो फिर आओ मेरे पास, तो रास्ता भी बता रहे हैं, हमें वहाँ भी नहीं जाना। तो जो हमने जितनी आशा लगा रखी है संसार से, ये है फैक्ट। जब तक मुझे ये आशा है कि संसार से मुझे सुख मिलेगा, तब तक मैं क्या रहूँगा, दुखी रहूँगा। जिस दिन हमारे एक सीनियर भक्त हैं, उनसे मैं भी मेरे वो जो भी उनके पास जाएगा ना फर्स्ट टाइम, वो डांट खाएगा, मैं भी खाया। और मैं मेरे को तो जो भक्त उनके पास ले गए, उनने बताया भी कि ये नहीं बोलना, लेकिन वो आदत में आ गया है। और मैंने बोल दिया, और उन्होंने अच्छे से मेरे को लेक्चर दिया, क्या बोला। जैसे ही मैं वहाँ गया, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू आर फाइन, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, अरे मैम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कैसे नहीं है, कैसे दिक्कत नहीं है, संसार में ये दुख के देने के लिए संसार, आप कैसे फाइन हो सकते हो। भाई आप कहीं जाओ जनरली, कैसे भाई, बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है, ये तो बोलते हैं। तो उनका कहना है कि जब तक आपको ये भ्रम है ना कि सब बढ़िया चल रहा है ना, जैसे जो कोई उसमें पड़ा हुआ है, कचड़े में पड़ा हुआ है, और ना पी के पड़े रहते ना कहीं, उसको लगता है वो सब बढ़िया तो चल रहा है। तो जब तक उसको ये लग रहा है कि सब बढ़िया है, तो वो उससे निकलने का प्रयास नहीं करता, है ना। जैसे कोई गड्ढे में गिर गया है, कुएं के अंदर गिर गया है, और उसको लग रहा है यही सब बढ़िया है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है भाई, तो वो किसी से बोलेगा ही नहीं कि मेरे को बाहर निकालो, वो खुद भी प्रयास नहीं करेगा बाहर निकलने का। तो वो कह रहे कि ये भ्रम निकाल दो कि आई एम फाइन, है ना। जुहू मंदिर में एक प्रभु जी हैं, उनसे कभी भी पूछो आप, हाउ आर यू प्रभु जी, जब तक मैं गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच जाता तब तक मैं ठीक नहीं हूँ, इतना लंबा आंसर है उनका हमेशा। कभी भी आप उनको सोते में जगा लो, प्रभु जी हाउ आर यू, जब तक मैं गोलोक नहीं पहुंच जाता मैं ठीक नहीं हूँ, कभी भी उनका एक ही आंसर है। लेकिन हम ठीक है, सब सही चल रहा है, जब सही चल रहा है तो भगवान भी कह रहे सही चल रहा है, तो रहो भाई आराम से रहो, मैं क्यों आपके सुख में डिस्टर्ब करूँ। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है, इसलिए रोज शिक्षा आश्रम में बोलना है, भवाम मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, पतितम माम विषय में भवाम बोला, मैं गिर गया हूँ दुखों के सागर में। लेकिन हमारी हम इसको समझ नहीं रहे, हम आशा लगाए बैठे। तो जब तक इस संसार से मुझे आशा है कि शायद मेरा भाई, शायद मेरी पत्नी, शायद मेरा बच्चा, शायद, और यही आशा के चक्कर में आदमी कभी पूरी ज़िंदगी जन्म से लेके मृत्यु तक वो सुखी नहीं हो पाता। क्यों, पहले उसको लगता है कि मैं मुझे एक रुपए वाली चॉकलेट मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा, फिर उसको लगता है कि मैं
स्कूल में कम लगता है, लेकिन उसको लगाया जाता है, उसको समझाया जाता है कि तू स्कूल जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा। वो स्कूल LKG UKG से लेके वो 12th पास करके निकल जाता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता। आदमों का तो विश्वास इसी वजह से उठा हुआ है। तो फिर उसको कहते नहीं अब तू इंजीनियरिंग कर ले या कुछ कर ले, है ना। मेरे मुँह से इंजीनियरिंग ही निकलता है क्योंकि मेरे को वही बोला गया बार बार, है ना। तो उसके बाद भी लेकिन आशा रहती है, एक आशा बांध दी जाती है कि ऐसे ऐसे ऐसे, पर ये आशा आप भगवान से रखो, है ना। इस संसार के लोगों से जब तक आपने आशा रखनी है तब तक क्या रहना है, दुख। कारण इसका कारण है कि एक तो ये संसार का डिजाइन ही ऐसा है, दूसरा ये संसार, ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ये संसार में जितने लोग हैं, चाहे वो आपका क्लोजेस्ट हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका फ्रेंड हो, आपके इन लॉज हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके कलीग्स हों, आपके मैनेजर हों, आपके नेबरहुड्स, जो भी हो, पूरी दुनिया आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए नहीं बनी है। संसार के सब लोग आपकी आशाओं की पूर्ति के लिए नहीं यहाँ पे रह रहे हैं। दे आर नॉट एग्जिस्टिंग ओनली टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस। वो बल्कि उनको ये आशा है कि आप उनकी आशाओं को पूरा करेंगे, है ना। दे आर नॉट, तो एक्सपेक्टेशन करने में ऑन ए वेरी वेरी प्रैक्टिकल लेवल एक्सपेक्टेशन करना गलत नहीं है। हमें आशा है कि हमारा पेरेंट्स ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे ऐसा करेंगे, हमारी वाइफ हमारे साथ ऐसा, आशा है। आशा रखने में कोई गलत बात नहीं है अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ये संसार में सब लोग मेरी आशाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। तो जब वो आशा आपकी जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी जब वो फुलफिल नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। आप कहीं गए, उन्होंने आपसे नहीं पूछा हाउ आर यू, ओके नो प्रॉब्लम, है आपको आपको आशा थी कि वो मेरे को तो जाके गुलाब जामुन खिलाएंगे, नहीं खिलाए, आप दुखी हैं, अरे यार, है ना। तो आशा ही नहीं रखनी है, है ना, आपको कोई आशा नहीं रखनी है ना। और अगर रख रहे तो इस अंडरस्टैंडिंग से रखिए कि पूरी दुनिया मेरी आशाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, है ना। और ये तो बेसिक लेवल है, बेस्ट है आपको किससे एक ओके बोले, प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम। आशा रखो कृष्ण से, कृष्ण को अपना दुख बताओ, कृष्ण से कनेक्शन बनाओ, है ना। इसलिए सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं इस दुखों के सागर में जालाब्धि मग्नम, इस जाल में मग्न हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं थोड़ा सा फंसा हूँ, पूरी तरह से मग्न माने पूरी तरह से टाइटली बंधा हुआ हूँ, है ना। और वहाँ पे महाप्रभु भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि मैं इस दुखों के सागर में पूरी पतितम माम विषमे भवाम बुधो, इस समुद्र में, इस भव सागर के समुद्र में पूरी तरीके से मैं डूब चुका हूँ और दुख जन्म मृत्यु जरा आदि में फंसा हुआ हूँ। तो आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्मे भवाम बुधो कृपया। फिर जब इसको मैं समझ लूँगा हाउ आर यू, आई एम फाइन, जब ये भ्रम निकल जाएगा और जब नया हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, क्या ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग क्या है वो, दुख जालाब्धि मग्नम पतितम माम विष्मे भवाम बुधो, मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, मैं दुखों में हूँ। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तब अगली लाइन में जाएंगे, कृपया तब पाद पंकज, तब वो कृपा की इच्छा आएगी, है ना। अभी तो मैं अच्छा हूँ तो मैं क्यों किसी से कृपा मांगूंगा, मैं अपने आप में कोई दिक्कत नहीं, क्यों किसी की कृपा की इच्छा रखेंगे। तो जब इसको समझेंगे कि मैं दुख जालाब्धि मग्नम, दुखों के जाल में फंसा हुआ हूँ, तब कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बता, तब कृपा की इच्छा करेंगे कि हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे ईश, हे प्रभो, कृपा दृष्टि क्या चाहिए, कृपा दृष्टि चाहिए। कृपा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति में। कलम चाचा कर रहे थे ना कि मैया ने बांधा, परिश्रम तो किया लेकिन कृपा भी, दो अंगुल छोटा रह रहा है रस्सी उसका, क्या है, एक तो भक्त का परिश्रम और दूसरा कृष्ण की कृपा, है ना।
तो कृपा बहुत ज़रूरी है। इस कृपा पे डिटेल में चर्चा हम संडे को करेंगे, है ना। कृपा कैसे चलती, कृपा होती कैसे है, कृपा होने के लिए कितना वहाँ पे इलेक्शन होता है, कितना वहाँ पे फाइट होती है, तब कृपा होती है। इसको हम संडे को चर्चा करेंगे, अभी से बता दें, अभी आएंगे सब संडे में। तो कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु ग्रहणेश मामज्ञम अतियक्षिदृश। अधिकार नहीं बता रहे हैं, कृपा की आशा कर रहे हैं कि आप कृपा करके, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति, कृपा दृष्टि की वृष्ट्याति माने वृष्ट्या माने वर्षा करिए, कृपा की वर्षा करिए। क्यों? अति दीनम, मैं क्या हूँ, मैं अत्यंत ही दीन हूँ। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु अनुग्रहण, और क्या कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। हे ईश, मैं दुखों के सागर में फंसा हुआ हूँ, आप मुझे इस दुखों के जाल में मैं फंसा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ा जाल है, इस जाल का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, www। इस जाल में सभी फंस गए हैं, और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, वैसे ही फंसे थे, फिर उस नाम भी बहुत अच्छा है, वर्ल्ड वाइड वेब, सबको मालूम ना इसका हिंदी में क्या नाम है। हम लोग जब स्कूल में, हमें जब पढ़ाया गया, हम तो हिंदी मीडियम में थे, तो उन्होंने कहा वर्ल्ड वाइड वेब, जगत जोड़ता जाल, और इसी जाल में फंसे रहो, है ना, है ना। वेबसाइट, वेब माने और जाल, है ना, इसमें फंसा हुआ हूँ, वेबसाइट के जाल में ही फंसा हुआ हूँ। एक बार फ़ोन पकड़ता हूँ, बाहर ही नहीं निकलता, है ना। इंटरनेट, नेट माने उस जाल में फंस गए, दुख जाल आप दिमाग ना, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। तो भगवान आप मुझ पर अपनी कृपा करें, कृपा दृष्टि वृष्टि आती दीनम बताएं, और मुझे अनुग्रहित करें, मेरा उद्धार करें, और मुझे माम अज्ञ अधि अच्छी दृश्य, मेरी आँखों के सामने आप मुझे साक्षात दर्शन दें। पतितम माम विस्मय भवाम बुधो कृपया, वहाँ भी वही चीज़ आ रही है, कृपया तब पाद पंकज स्थित। मैं अधिकार नहीं जता रहा हूँ, बट कृपया दृष्टि मांग लो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, उन चरणों की जो धूल का एक कण ही आप मुझे बना लीजिए, है ना। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु ग्रहणेश मामज्ञम अति अच्छी दृश्य, इतना आप मेरे साथ कर दीजिए। मैं हे देव, और पॉइंट क्या है, नाम संकीर्तन, बार बार नाम बोल रहे हैं, सीधे नहीं है, बिना नाम संकीर्तन के कुछ होने वाला नहीं है। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं नाम संकीर्तन कितनी बार, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु ईश, बार बार नाम बुला के, क्योंकि बिना नाम के कृपा आएगी ही नहीं, है ना। गोलोकेरा प्रेमदम हरि नाम संग, जो गोलोक से जो कृपा आनी है वो आनी तो हरि नाम के माध्यम से। ये चार्ट में आप देख लो, एक ही लिंक है ऊपर तक हरि नाम की, ये देखो, ये यहाँ 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 से घूम 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 के एक ही लिंक है, वो कृपा आएगी तो हरि नाम के माध्यम से आएगी बस, है ना। और जिस हरि नाम नहीं है तो फिर तो भगवान ने कृपा, कृपा आपको चाहिए तो उस कृपा के लिए एक कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो आपको प्रयास करना, वो प्रयास बस इतना है हरि नाम। और कलयुग में तो और कुछ है नहीं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते वा नास्ते वा नास्ते वा गतिर अन्यथा। तो कृपा कीजिए, और भक्त अपना प्रयास कर रहा है, माता यशोदा ने अपना प्रयास किया है, भगवान ने कृपा की है, तो हमें भी अपना प्रयास करना है। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अपना प्रयास कंटिन्यू रखना है, साथ ही साथ ये नहीं करना, देख रहे पिछले 15 साल से रोज़ सुबह 5 बजे से पहले मेरे 16 माला हो जाते हैं ना, कृपा किधर है, भेजा नहीं कृपा का एनवलप, आए नहीं अभी तक, है भाई डिलीवरी हो ही नहीं रही आपकी। कृपा दृष्टि वृष्टि आती दीनम बता, प्रयास भी कर रहे हैं और कृपा की प्रार्थना भी कर रहे हैं, और फिर भगवान कृपा करेंगे, है ना। तो हम अपना
वैल्यू को, हम अपनी पोजीशन को भी समझें, है ना। किसी भी चीज़ में सक्सेस के कुछ फंडे होते हैं। पहला फंडा है आप समझो कि आप हो कहाँ, वेयर एम आई, मेरा पोजीशन क्या है, है ना। मेरा पोजीशन यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ जाना चाहते हो आप? मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द प्रोसेस? कोई पता नहीं, विधि क्या है? थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, उस विधि को फॉलो करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है? चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, कौन मुझे इस विधि को सिखा सकता है, बता सकता है, हेल्प कर सकता है? पांच क्वेश्चन कौन रिपीट कर सकते हैं? पहला, मैं कहाँ हूँ? दूसरा, कहाँ जाना है? तीसरा, कैसे पहुँचूँगा, विधि क्या है, है ना। चौथा, भाई वो किस, एक एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है ना आपको, है ना। अब आपने बनना था रेसर, है ना, और घर में सारे हैं डॉक्टर, है ना, तो दिक्कत होगी ना। अगर आपको मैराथन में दौड़ने वाला या रेसर बनना है ना, मिल्खा सिंह बनना है, तो वैसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा ना, जहाँ सब लोग, यही कारण होता है कि सारे फुटबॉल खेलने वाले एक साथ रहते हैं, आर्मी वाले एक साथ रहते हैं, क्रिकेट वाले एक साथ रहते हैं, इंजीनियरिंग वाले एक साथ रहते हैं, मेडिकल वाले एक साथ रहते हैं, ताकि वो एनवायरनमेंट बना रहे, है ना। चौथा क्वेश्चन, एनवायरनमेंट क्या है? पांचवा, कौन मुझे ये प्रोसेस सिखा सकता है, इसमें हेल्प कर सकता है, कौन मेरा गाइडेंस करेगा? तो मैं कहाँ हूँ? दुख जालाब्धि मग्नम, मैं दुखों के जालों में फंसा हुआ हूँ। जाना कहाँ है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जाना कहाँ है? आनंद के सागर में। दुख के सागर से कहाँ जाना है? आनंद के सागर में। विधि क्या है? राइट, कलौ नास्ते वा, और कोई विधि भी नहीं है। संकीर्तनम कलौ युगे कलेर दोष निधि, बहुत सारे श्लोक है ना, आपको सब पता है। तो प्रोसेस क्या है? हरि नाम, है ना। फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है? वैष्णव संघ, राइट। जब भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव महाराज से बोला क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज बोले कि कुछ नहीं चाहिए। अरे फिर आए क्यों थे? बोले वो एक्चुअली मैंने, पहले मेरी आशा थी कि कांच के टुकड़े चाहिए, आपने मेरे को हीरा दे दिया, कौन चाहिए। उन्होंने फिर भी कुछ मांगो, तो चाहे आप कोई सा भी कन्वर्सेशन देख लो, चाहे प्रहलाद महाराज का, चाहे यहाँ भी दामोदर लीला में भी आगे आएगा, और ध्रुव महाराज का, किसी का भी, आप जब भगवान से कन्वर्सेशन हो रहा है तो वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, मेरे को भक्तों का संग चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। ध्रुव महाराज को भगवान सामने हैं, लेकिन वो अब तो भगवान सामने आके पूछ रहे हैं क्या चाहिए, सक्सेस हो गया ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे को आपके जो भक्त है, जो नाम संकीर्तन में लगे हुए भक्त है, जो अच्छे से आपकी भक्ति कर रहे हैं, उनके बीच में मुझे डाल दो बस, है ना, उनके बीच में डाल दो। और माया का भी यही प्रयास है, माया का यही प्रयास है। माया ये नहीं चाहती कि आप हरि नाम बंद कर दो, माया कुछ नहीं चाहती, माया बस इतना चाहती है बाहर आ जाओ, है ना, है ना। आर्मी में यही स्ट्रेटजी होती थी पहले राजाओं की, कि कैसे भी करके जो मेन बंदा है, या जैसे एक एक करके तोड़ना है, इकट्ठे नहीं आप मार सकते, तो आप एक एक करके उनको दूर से कुछ दिखाओ, तो एक को ना प्रलोभन आएगा, तो वो देख के आता हूँ क्या है, तो वो मर गया, है ना। ये एक्चुअली में भगवान ने एक लीला में भी किया है, वो ग्वाल वाल का लीला ना, एक एक करके जाते हैं, तो वो ऐसे एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। जब हम हरि नाम में जप करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, है ना, रोज आ रहे हैं, हर प्रोग्राम में आ रहे हैं, अचानक माया कुछ कर देगी, अचानक से कुछ हो जाएगा, कभी लगा कि अरे प्रभु जी ने मेरे को आज गलत बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, अब नहीं जा रहा मैं, बस माया से, माया का काम हो गया। माया ने क्या बोला? हरि बोल। हमारे लिए क्या हो गया? हरि बोल। माया यही चाहती कि आप कैसे भी करके संघ से बाहर आओ, बाकी हम आपस में निपट लेंगे।
और हमें क्या करना है, हमें उस फेवरेबल एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ना है, नहीं तो विधि पूरी नहीं हो सकती। माया यही चाहती है कैसे भी करके शुरुआत में। अब होता क्या है देखिए, ये बहुत समझने वाली बात है। शुरुआत में आपको जब आप भक्ति में नए जुड़ेंगे तो हम सब जब शुरुआत में जुड़ेंगे तो हमें क्या माया कैसे प्रलोभन देगी, अरे यार इतना अच्छा तो लगता था चिकन क्यों छोड़ दिया, देख तेरे सारे दोस्त खाते हैं और तू नहीं खाएगा तो ये लोग तेरे दोस्त नहीं रहेंगे, है ना। और ये जब दोस्त नहीं रहेंगे तो बिना दोस्ती बिना फ्रेंड्स के जीवन कैसे हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, ये सब तेरे को छोड़ के जा रहे हैं, तेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, हैं तो यार खाना चाहिए, प्रभु जी मेरे तो फ्रेंड्स मेरे साथ बोलते नहीं अभी, है ना। लोग बोलेंगे भी आपसे, अरे उसको क्यों बुला रहा है यार, बाबा जी हो गया वो प्रवचन देगा, है ना, हमारे भी दुख में है हमारे भी आनंद में वो प्रॉब्लम करेगा, है ना। तो पहला यही है कि भाई माया पहले सेंस ग्रेटिफिकेशन से आपको प्रलोभन देगी, है ना। मतलब जो चीज़ आप तरसते थे कि मिल जाए, भक्ति में जुड़ने के बाद तुरंत मिल जाएगी, और बस आप हो सकता है उसको ही पकड़ के बस आप बाहर चले जाएंगे, क्यों माया के तब नहीं दे रही थी माया, अब दे दिया बस, है ना। जॉब नहीं लग रही थी, जैसे ही हरि नाम किया लग गई, प्रभु जी भगवान की कृपा हो गई है जॉब लग गया है, बस अब मैं जॉब में पूरी तरह से मग्न हो गया हूँ, जालाब्दी मग्नम, मैं पूरा जॉब में फंस गया हूँ, अब हरि नाम क्या ज़रूरत है। तो माया पहले तो सेंस ग्रेटिफिकेशन से आपको बाहर खींचेगी, भक्तों के संग से बाहर आओ, फिर क्या होगा। अब आपने 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, दीक्षा भी ले लिया है, अब थोड़ी अब आप आपको कोई ये कहेगा भाई आओ चिकन पार्टी में चलें, आप जाएंगे क्या, आप नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, है ना। कोई आपको बुलाएगा कि आप बाहर आ जाइए और हम चलेंगे सिनेमा देखने, क्यों जाएगा। अभी मेरे कोई फ्रेंड बोले भाई आओ चलो, है ना, जैसे अभी मैं मेरे स्कूल में इतने सालों बाद उनको मेरा वैल्यू रियलाइज हो गया, उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई आके कुछ बच्चों को मोटिवेशन कुछ दो, तो मैं गया स्कूल में तो वहाँ सारे पुराने फ्रेंड मिले, है ना। तो वो पुराने फ्रेंड समझ गए मेरा वेशभूष रंग सब देख के, उन्होंने इसका कुछ नहीं हो सकता ये तो गया, तो उनकी ना मैं 3-4 दिन वहाँ रुका, तो उनके बीच में एक दिन पार्टी थी, तो जिस फ्रेंड के घर में रुका था तो उसने ना वो बोला मुझे ना तो कुछ काम है मैं आता हूँ, तो मैं हूँ उन्हीं के बीच का, तो मुझे पता है वो क्या बहाना मार रहा है, मैं समझ गया। तो वो भी नहीं बताना चाहता कि यार इसको क्यों बताए, तो वैसे भी नहीं आएगा हमारी पार्टी में, क्यों इसको बताना और क्यों। तो माया वैसे आपको वो उस तरह के प्रलोभन देगी ही नहीं कुछ समय बाद, फिर क्या है, फिर कुछ समय बाद नए नए प्रलोभन आएंगे। कैसे, अब तो कोई भी भक्त मुझे पसंद ही नहीं करता, क्या करेंगे ऐसे सत्संग में जाके, कोई मेरे से बात ही नहीं करता, है ना, कोई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। या मुझे वहाँ जाते हैं सबको दो दो गुलाब जामुन देते हैं, मेरे को एक ही देते हैं, क्यों जाऊँ। माया आपको भक्तों के बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी, ऐसा लगेगा कि ये सत्संग बेकार है, यहाँ नहीं जाना, अब दूसरे सत्संग में जाना है। उसका ये मतलब नहीं है कि माया कह रही है वो सत्संग अच्छा है, नहीं, माया आपको उसे एक ऑप्शन दे रही है ताकि आप इससे, क्योंकि फिर वहाँ जाके भी वही ऑप्शन देंगे, फिर इसमें नहीं जाना उसमें जाना, उसमें नहीं जाना इसमें जाना, या कुछ को सीधे जो ज़्यादा स्थिर नहीं है उनको तो दूसरा सत्संग का भी ऑप्शन नहीं, अब क्यों जाना है, मेरा दीक्षा हो गया है, मैं 16 माला करता ही हूँ, बस प्रभुपाद ने कहा हरे नाम केवलम, 16 माला कर रहा हूँ, दीक्षा हो ही गया है, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, सब मैंने छोड़ दिया है, मैं घर में रह के भी भजन कर सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है संग में जाने की, है ना। लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ना है चाहे कुछ हो जाए, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। भरत महाराज भक्ति की जो 8 स्टेज हैं उनमें 7वीं भाव, भाव बस माने भाव और प्रेम में बस थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है भाव और प्रेम में, है ना। भक्ति की सर्वोत्तम क्या है, प्रेम, प्रेम प्रमर्थो महान, भाव बस जस्ट थोड़ा सा फर्क है, है ना। तो भाव की स्थिति में जाके भी वो क्या हुआ, है ना, कथा था आपको बताया, हिरण बन गए, क्यों। अब इसका एनालिसिस आपने कभी करा होगा,
अगर भरत महाराज इस तरह के सत्संग में बैठे होते, भरत महाराज का तो पास टाइम हुआ है, उसमें कोई कमी, मतलब ऐसा नहीं है कि भरत महाराज भक्त नहीं थे या कुछ गलती, जो भी भगवान ने लीला की है, जो हमें सिखाने के लिए किया है, तो यहाँ पे सीखने वाला ये है कि अगर इस तरह के सत्संग में बैठे होते तो कोई ना कोई भक्त तो आके बोल ही देता, प्रभु जी भरत प्रभु अब ना ये हिरण अपने आप देखभाल कर सकता है, आप ना ज़्यादा कर रहे हो, कोई ना कोई भक्त आके ज़रूर बोलता कि भरत प्रभु अब तो वो, जब हम गड़बड़ होती है ना वहाँ पे भक्तों के संग से ये फ़ायदा हो जाता है कि वो भक्त आके हमें बोल देता है कि प्रभु जी ये आप गलत कर रहे हैं ना। प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी को प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी आप थोड़ा नाम जप थोड़ा ऐसे करिए, है ना, ये गड़बड़ हो रही है। अगर अकेले कर रहे होंगे तो क्या गड़बड़ हो रही, कौन आके बताएगा, है ना, हमारा मन तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जब हम नॉनवेज खाते थे तब भी मन ने नहीं बताया कि ये गलत है, है ना, तो अब क्यों बताएगा। तो जब हम भक्तों के संग में नहीं होते हैं तो इस तरह से हमारे साथ चीटिंग हो जाती है। भक्तों के संग में होने से क्या होता है, कोई ना कोई भक्त हमें आके करेक्ट करता है, लेकिन फिर माया एक्ट करती है वहाँ पे। माया कहती है देखो तुम तो इतना अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे में कमी निकाल रहे हैं, कल से नहीं जाना। वो नहीं जाता है फिर, आप हमारी तो कोई स्थिति नहीं है, हम तो बिल्कुल नियोफाइट हैं। बड़े बड़े भक्त, भरत महाराज का बता दिया, और अभी के इस्कॉन के अभी के इसमें बहुत बड़े बड़े भक्त का भी यही स्थिति हो गया। हमने बहुत पहले, हमारे एक फ्रेंड ने, एक हम सन्यासी महाराज को छोड़ने गए एयरपोर्ट, तो जाते जाते उनसे एक प्रश्न पूछा कि भक्ति में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको करने से फेलियर का चांस नहीं है, एक चीज़ बताओ आप। इस्कॉन वाले बहुत लेक्चर देते हैं, आप शॉर्ट में बताओ, एक सेकंड में बताओ। तो उन्होंने जाते जाते बोला एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, बस साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हुई। वो साधु संग नहीं छोड़ना है, बस कुछ भी कष्ट मिले ना। हमारे प्रभु जी का बता रहे थे कि जब आश्रम में वो थे, तो ऐसे ही बता रहा हूँ जोक के लिए, है ना, तो ब्रह्मचारी आश्रम में थे, तो वो एक और भक्त ज्वाइन किए, तो इनकी भी किचन में सेवा थी रोटियाँ बेलने की, वो ज्वाइन किया तो उसको भी रोटियाँ बेलने पर लगा दिया, तो एक हफ्ते तो उसने रोटियाँ बेली। अब वो आपको पता ही होगा, टीवी में खूब आया था, इस्कॉन में सारे इंजीनियर डॉक्टर ही आ रहे हैं आईएएम के आईआईटी के, तो वो भी ऐसे ही था, उसको लगा यार मेरे अंदर इतनी स्किल, अब मेरे को रोटियों बेलने में लगाया है, तो उसने इन्होंने से कहा कि ये क्या है, मैं मेरे को और चीज़ों में लगाओ, मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ, तो मैं रोटियाँ बेल रहा हूँ यहाँ पे, क्या है। तो ये बोलते हैं भाई मैं भी तो बेल रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मेरे को क्या, तुम्हें बोलना है किसी ऊपर वाले से बोलो, जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है। अच्छा जब ये सेम स्थिति थी ना, प्रेम ज़्यादा होता है ना, ये रामचरितमानस में वर्णन आता है, जब भगवान राम और सुग्रीव से मिले ना, तो वहाँ ऐसे ही वर्णन आता है कि राम ने सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, तो वो कहते भाई जो स्थिति तेरी वही स्थिति मेरी, समझ रहे ना आप, है ना, तो उनका वही स्थिति मेरी है भाई है? तो उसने एक हफ्ते और मैनेज किया, बाद में वो टिका नहीं और वो अपना भक्त छोड़ के गया। प्रभु जी बता रहे थे कि 15 साल बाद मुझे मिला, तो और भाई कैसे हैं आप, बढ़िया है, सब बढ़िया है, और बताइए। बोले और क्या बताऊँ यार, मेरा शादी हो गया था, वाइफ का मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वाइफ कुछ कर नहीं पाती ज़्यादा, घर में मैं ही रोटियां बनाता हूँ। तो भक्त का संग नहीं छोड़ना, क्योंकि जो होना होगा वो होके रहेगा। पहले मंदिर में भक्तों के लिए रोटियां बनाता था, अभी घर में वाइफ के लिए रोटियां बनाता है, तो बनाना तो उसके भाग में रोटियां ही था, है ना। तो भक्त का संग नहीं छोड़ना। हमारे प्रभु जी जो थे वो कहते थे, जब भी मैं जब ब्रह्मचर्य आश्रम में शुरू में ज्वाइन किया तो जाता था, प्रभु जी ये भक्त ने ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल रहे हैं मेरे को, ये वो कहते थे देखो तुम्हारे कर्म में ये लिखा ही है कि तुम्हें डांट खानी है, या ऐसा होना है वैसा होना है, तो ये भक्त कर रहा है तो अच्छा है, हैं बाहर जाओगे तो कोई ऑटो वाला गाली देगा, कोई ट्रैफिक में फंसोगे कोई दूसरी कार वाला गाली देगा,
अगर आपके कर्म में लिखा है कि आपको डांट पड़नी है या कुछ सब बुरा शब्द सुनना है तो वो होगा, बस फर्क इतना है कि भक्तों के द्वारा होगा तो वो कृपा है ना, और बाहर वालों के द्वारा होगा तो है ना आपका कर्म है ना। इसलिए कहते भक्तों के, और वो कम भी आएगा जो भक्ति में लगे रहेंगे, भक्तों के संग में होंगे तो वो बहुत बड़ा होना था कुछ, पर वो क्या हो जाएगा मेरे जीवन में, छोटा होके आएगा, जितना कम हो सकता है उतना कम होके आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें भक्तों के संग को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे वो कुछ हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए। और थोड़ा समय लेके एक और बात बता देता हूँ, कई बार हमें लगता है कि अब तो ये सत्संग बेकार हो गया, पहले इसमें बहुत आनंद आता था, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें भी ऐसे लगता है कि जैसे जिसके घर में रोज़ गुलाब जामुन मिलता होगा तो उसको लगता है ये क्या है, तो रोज़ की बात है ना, जिसको नहीं मिलता उसके लिए बड़ा फीस्ट है। तो ऐसा होता है कि जरूरी नहीं, हम सभी प्रोसेस में हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि अब प्रभु जी ने ऐसा कैसे कह दिया या ये ऐसा कैसे कर, हम सब प्रोसेस में, हम सबसे गलतियाँ हो सकती हैं, है ना। और हो सकता है कि कल तक, जैसे ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है ना, अब इसमें इलेक्ट्रिक, कल तक आप अपना चार्जिंग इससे ले रहे थे, है ना, इससे चार्जिंग आ रहा था, तो कुछ क्षण कभी ऐसे हो सकता है कि काम करना बंद कर दे किसी कारणवश, तो आपको वो कनेक्शन नहीं मिलेगा, फिर करंट नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, हमें लगेगा अब तो करंट आ नहीं रहा है, तो आप बगल वाले में लगा लो, दूसरा वक्त है वहाँ पर। लेकिन ये उसका ये सोच के अपमान कभी मत करना उस भक्त का कि ये तो गलत काम कर रहे हैं या ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अगर मेरे भक्त से कुछ हो जाए ना तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, क्यों, वो तुरंत है ना, कौन से श्लोक है वो, नमे भक्त प्रणश्यति, पहले वाला लाइन तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांत, बहुत जल्दी वो वापस आ जाएगा ट्रैक पे, क्यों, ये सॉकेट में अभी कनेक्शन खराब हुआ है, पीछे इलेक्ट्रिसिटी अभी भी है, और जैसे ही अगर वो सही हुआ वो करंट फिर से प्रवाह होने लगेगा, और उसी सॉकेट की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिला था, इस बात को मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं भक्ति में जुड़ाऊँ तो इसी की वजह से जुड़ाऊँ, आज थोड़ा करंट दे दिया शॉक, है ना, कभी कभी आयरन बॉक्स आयरन करते समय थोड़ा करंट भी लग जाता है, तो क्या हम उस आयरन को फेंक देते हैं, नहीं, करंट तो लगा, ठीक है, है ना, कभी हमारी गलती थी कभी आयरन की गलती थी, करंट लग गया, शॉक हो गया, लेकिन ये कभी ना भूलें कि उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, और कभी भी किसी मोमेंट में कोई गुरु साधु शास्त्र इलेक्ट्रीशियन के रूप में आगे सही कर देगा और करंट फिर से प्रवाह होने लगेगा, लेकिन हमने उसको भूल गए हैं तो हमें वो करंट फिर नहीं मिलेगा, कनेक्शन बनाए रखना है ना। तो साधु संघ का तो महिमा जितना कहें उतना कम है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, श्रील प्रभुपाद की जय।